अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। और यहाँ पे फाइनली हमने रियाद में कुछ नया एक्सप्लोर कर लिया था कि रियाद में जेकॉक बना हुआ है। हमें अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि इसका जो पार का बुक था वो टुकले डिफरेंट था, लेकिन जब अपने मैप में सर्च किया तो हमें पता चला कि जेकॉक है। यहाँ आके थोड़ा सा फील हुआ कि यार चलो ईद का लग रहा है कि भाई लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि यार जो अप्रॉक लाइफ गुजार रहे हैं बाहर रहते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि ईद कैसे आती है और कैसे जाती है। हमारे बच्चों को ही नहीं पता कि यार कौन सी ईद आई कौन सी ईद आई, तो बस हम अपने यहाँ पर बच्चों को खींच कर जो होता है कि भाई आज ये ईद है, इसमें ये है, इसमें ये। तो यार तो मतलब हमें फील होता है ना थोड़ा बहुत इस टाइम पे हमें अपना मुल्क बहुत ही ज़्यादा याद आता है कि हम अपने मुल्क में होते हैं कुछ होते हैं, लेकिन सब मसूफ़ैद होती है, आदमी आना जाना अब गाँव नहीं कर सकता, इतना ईजी नहीं होता। तो बस हम थोड़ा सा यहाँ आ गए थे, थोड़ा सा लग रहा था कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, मतलब थोड़ा सा मज़ा आ रहा था कि शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन यार हम अपने मुल्क को इतना ज़्यादा गिगरे करते हैं, इस हिसाब से गिगरे करते हैं कि यार हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क ये है वो है ये, लेकिन अब यकीन मैंने जो ड्रेसेस वहाँ पर 7 to 1000 के थे वो यहाँ पर डबल से ट्रिपल थे, मतलब एक मीन्स 19 to 20,000 का ड्रेसेस थे। यहाँ पर मैंने एक ड्रेस उठाया उसके जो प्राइस थे वो 400 थे, वो बिल्कुल भी वर्थ तक नहीं थे। तो बस यही था कि बस यार हम शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जहाँ पर भी हैं खुश हैं। और बस यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद आपको पता है भूख लग जाती है, भूख लगने के बाद यही है कि यार गायक पे हैं, गायक में तो गायक के साथ पे क्या खाएं। और गायक पे जब पूरी फैमिली मेम्बर के पास सब आप ही गायक पे हो तो थोड़ा सा होता है कि यार बस अब हम क्या खाएं। तो यहाँ पे हम आ गए थे शेख बर्गर। शेख बर्गर में जब आप लोग जाएंगे, शेख बर्गर का केस बहुत मैंने बोलूँगी अच्छा था, लेकिन इतना था कि जब आपको फास्ट फूड का खाने का दिल चाहे तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते। तो यही था, ये हो रहा था कि यार आज तो क्या ख़राब हो जाएगी, लेकिन जैसे मेन्यू कार्ड में गए तो वहाँ पे केको बर्गर था, तो मैं तो खुश हो गई कि चलो भाई केको बर्गर वगैरह करते हैं। केको बर्गर जो होता है वो इस तरीके का होता है, इसमें लेकेस होती है, आइसबर्ग होती है और अंदर इसके कबाब होती है। तो बस ये इन्जॉय किया। थोड़ा सा जो कैमरा है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं अच्छी बन पाई। तो बस दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।